जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। जो आपको पता है कि आपके UP SSSC पेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 सितंबर को, उसमें 5 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र से पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है। तो हम संपूर्ण कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों UP SSSC पेट के लिए। और आपको बता दूं कि हमने इसके पहले संविधान संपूर्ण देख लिया है, संपूर्ण हिंदी हम देख चुके हैं और स्टैटिक GK भी आधा समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको भी हम बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। आज ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अगर देखिए पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा UP SSSC पेट 2022 क्लासेस, ठीक। इस पे आपको एक क्रम में लगी हुई पेट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप जाकर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल पढ़ना है तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी GK क्लास ले सकते हैं। और UP SSSC वीडियो वन रक्षा के लिए संपूर्ण हिंदी दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप संपूर्ण हिंदी यहां से पढ़ लें। और अगर आपका दोस्तों यूपी स्पेशल पढ़ना है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो हो, वन रक्षा को, पुलिस हो, तो आप यहां से संपूर्ण यूपी स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए साथियों, आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि यहाँ से पिछली बार आपके पेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी शायद दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ जो होती ना, उनका लेखांकन करने के लिए हम उनको मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं। तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र साथियों, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है तो आपको बता दें, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्राथमिक, देखिए क्या होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जिससे हम कोई चीज उत्पाद करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेक्टर, या हम कह सकते हैं दोस्तों प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। या दोस्तों वह क्षेत्र जो सीधा पर्यावरण के संपर्क में रहता है, दोस्तों जो सीधा प्रकृति के संपर्क में रहता है दोस्तों, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और ये चीज याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को ही दोस्तों हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि क्षेत्र हम किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा तो मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत देखिए कृषि आ जाएगा, कृषि से जितनी भी चीजें उगाई जाएंगी, जैसे आपसे गेहूं पूछेगा किस क्षेत्र का, प्राथमिक। गन्ना पूछेगा किस क्षेत्र का, प्राथमिक, ठीक है। वानिकी आ जाएगा, जंगल दोस्तों, पेड़ पौधे, वानिकी। पशुपालन दोस्तों, पशुओं को पालना दोस्तों, वो भी सीधा प्रकृति संबंधित दोस्तों, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मत्स्यन दोस्तों, मछली के बारे में, ठीक है, मछली का उत्पादन करना दोस्तों, ये भी आपके प्राथमिक क्षेत्र। खनन दोस्तों, सीधा प्रकृति से हम खनन करते हैं दोस्तों, आपको पता है खदान से जो खुदाई करते हैं, खनन दोस्तों, वो भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और कच्चा माल, देखिए इन सबसे कच्चा माल जो होता है दोस्तों, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में ही रखते हैं, चाहे वो दोस्तों कपास हो गया दोस्तों, कॉटन हो गया, किसके लिए, वस्त्र के लिए। तो सभी चीजें दोस्तों प्राथमिक होते हैं, ठीक। अभी देखिए इनके बारे में हम लास्ट में सब कुछ बहुत अच्छे समझा देंगे, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए वो चीज, देखिए आपको यहाँ पे समझने का आवश्यकता ये है कि जो चीज ना सीधा आपको कृषि संबंधित लगे, ठीक, एकदम निचले लेवल से, ठीक है, जो कि सीधा प्रकृति, जैसे आप देखते हैं ना कृषि क्या है, खेत, पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति से सीधा संबंध रखते हैं, वन सीधा प्रकृति से, पशु दोस्तों सीधा दोस्तों प्रकृति से संबंधित है, मत्स्य दोस्तों ये भी, और खनन दोस्तों आपको पता सीधा जमीन खुदाई होती है, यानी कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं दोस्तों वहां से दोस्तों जो प्राप्त होता है वो हम कहते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। समझ गए होंगे, अभी नहीं समझे तो हम आगे समझा भी देंगे, तीनों को एक साथ समझा देंगे, ठीक है। चलिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है दोस्तों। मतलब वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज निकलती है ना, उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाता है दोस्तों, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें क्या, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को, ठीक, समझिएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में आपको मैं अंतर बताने जा रहा हूं, समझिएगा।
प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, कृषि संबंधित, कृषि के संबंधित कोई भी क्षेत्र चीजें हो गई वो प्राथमिक क्षेत्र हो गई, ठीक है। अब दोस्तों उसको अगर हमने कच्चा माल के रूप में प्रयोग कर लिया दोस्तों, उससे हमने कुछ दूसरी चीज बना दी, वो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कुछ उदाहरण देकर के, जिससे आपको एकदम से बेहतरीन ढंग से दोस्तों याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पहले और समझ लेते हैं कि इसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और आपको बता दें यहां कच्चे माल का निर्माण करके नई वस्तु बनाई जाती है। दोस्तों कहीं भी आपको नई वस्तु किसी चीज से बनाई हुई मिल जाए वो आपका द्वितीयक क्षेत्र होगा। जैसे दोस्तों कोई चीज का निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र में आएगा, विनिर्माण करना द्वितीय क्षेत्र में आएगा, विद्युत हो गया दोस्तों विद्युत का उत्पादन, गैस उत्पादन, जलापूर्ति दोस्तों ये सभी की सभी किस्में आएंगी आपके द्वितीय सेक्टर में, है ना दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। इससे देखिए निर्माण क्या होता है, इससे भवन का निर्माण कर दिया, है ना, स्मारक का निर्माण कर दिया, मॉल का निर्माण कर दिया, ये क्या इसमें आ गए द्वितीय। विनिर्माण करता किसी चीज का निर्माण, विनिर्माण दोस्तों, ठीक है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, चीनी हो गया, ऑटोमोबाइल, ये होते हैं विनिर्माण, ठीक है। तो देखिए आपको हम प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर द्वितीय सेक्टर क्या होता है थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा समझने का कोशिश करना, ठीक है। देखिए मान लिया आपने बताया प्राथमिक सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर को हम और क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, ठीक है। और दोस्तों द्वितीय सेक्टर को देखिए फर्स्ट सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर, और द्वितीय सेक्टर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। आप देखिए बहुत अच्छे समझिएगा एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अब देखिए मान लिया दोस्तों हमने कृषि में गन्ना उगाया, क्या गन्ने उगाले, बड़े बड़े गन्ने उगा लिए, ठीक, बड़े बड़े गन्ने उगा लिए, ठीक, ये गन्ने हो गए दोस्तों, तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, क्यों, क्योंकि कृषि से संबंधित क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए इस गन्ने को हमने मील में भेज दिया, और मील में देखिए गन्ने से क्या किया गया, इसको दोस्तों इसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया, गन्ने को हमने किसमें परिवर्तित करवा दिया, दूसरे रूप में दोस्तों, ठीक, रॉ मटेरियल गन्ना किसके यूज में हुआ, कच्चे माल की तरह, और इससे बनाया गया चीनी, क्या बनाया गया, चीनी। अब देखिए गन्ने का रूप परिवर्तित कर दिया गया, चीनी बना दी गई फैक्ट्री में लाकर दोस्तों, ये क्या हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में चीनी आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा, बिल्कुल। चलिए दूसरा उदाहरण आपको बता दें, जैसे हमने क्या कपास का पौधा उगाया, कपास उगाया, कपास, ठीक, कपास उगाया, उगाया, ये कृषि संबंधित दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब कपास दोस्तों हमने क्या किया, कपास से हमने उस कॉटन दोस्तों कपड़े बना लिए, तो कपड़े बन गए दोस्तों किसमें आ जाएंगे, द्वितीयक में, किसमें आ जाएंगे दोस्तों, द्वितीयक में, ठीक है, समझ में आ रहा, बिल्कुल। चलिए अब तीसरा जैसे बताना चाहते दोस्तों, देखिए हमारा मिट्टी होती है, मिट्टी से हमने ईंट बना दिया, मिट्टी लिया और मिट्टी दोस्तों फिर क्या हुआ, मिट्टी दोस्तों हमने क्या किया, फिर दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ईंट बनाकर दोस्तों बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग क्या हो गई दोस्तों, बिल्डिंग क्या हो गई, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, मिट्टी क्या हो गई, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मिट्टी और द्वितीय क्षेत्र दोस्तों बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों वो कच्चा मटेरियल जैसा होता है, मगर द्वितीय क्षेत्र का होता है दोस्तों जिसमें उद्योग चलता है, ठीक है, कोई चीज दोस्तों किसी चीज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सेवा दी जाती है, ना कि कोई चीज उत्पादन करते हैं, ना ही दोस्तों कोई फैक्ट्री होती है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है, ठीक है। देखिए जैसे परिवहन, परिवहन हो गया, संचार हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, भंडारण हो गया, व्यापार हो गया, सामुदायिक सेवाएं हो गई, है ना, मनोरंजन हो गया, विश्राम स्थल हो गया। देखिए समझिएगा कैसे, देखिए जैसे आपने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ, आपने गन्ना उगाया, ठीक है, इसको एक बार आप दोबारा समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आप मान लिया गन्ना उगाया, क्या किया, गन्ना उगाया, ठीक, गन्ना उगाया, तो गन्ना क्या हो गया दोस्तों, गन्ना उगाया, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, गन्ना क्या हो गया आपका, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों इसका चीनी बना लिया, क्या कर लिया, इसका चीनी बना लिया, ना चीनी बना लिया। अब देखिए मान लिया दोस्तों ये फैक्ट्री लगी है और यहाँ गन्ना उगाया किसान ने, तो प्राथमिक सेक्टर से अब देखिए चीनी जो बनेगी, तो भैया यहाँ से गन्ना जो पहुंचाया जाएगा कहाँ, मील तक तो पहुंचाया जाएगा गन्ना, अब गन्ना खोपड़ी बिलात को जाएगा नहीं, तो किसी ना किसी चीज से पहुंचाया जाएगा, किससे, मान लिया हमने ट्रक से गन्ना पहुंचा दिया फैक्ट्री तक, तो ट्रक से जो गन्ना पहुंचाएगा ना, तो आपको जो ट्रक वाला होगा ना, इसको भी आप पैसे देंगे, ठीक है, इसको आप पैसे देंगे, मान लिया कहा गया भाई प्रति चक्कर का हम 2500 रुपये लेगा ट्रक वाला, ठीक है, तो 2500 रुपये आपने ट्रक वाले दिया, किस लिए दिया, क्योंकि उसने आपको कुछ दिया नहीं, बल्कि आपके सामान को यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोड़ दे, यानी प्राथमिक सेक्टर से लेकर के द्वितीय सेक्टर तक, यानी आपकी कंपनी तक रॉ मटेरियल छोड़ दे, इसलिए आपने उसको 2500 रुपये दिए। 2500 रुपये किसके दिए हैं, तो सेवक दिए, उसने कुछ आपको दिया नहीं मगर सेवा दिया, तो वही तृतीय सेक्टर यही होता दोस्तों, ठीक है, कि पहले सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक ले जाने वाली जो आयात होता ना, उसको हम कह सकते हैं दोस्तों तृतीय सेक्टर, ना सेवा क्षेत्र, ठीक है। जैसे दूसरा समझिए परिवहन, जैसे आप मान लिया दोस्तों
हम रायबरेली हैं, रायबरेली में रहते हैं दोस्तों, है ना। अब मान लीजिए दोस्तों हम लखनऊ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लखनऊ। तो हम क्या करेंगे, बस पे बैठेंगे और लखनऊ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लखनऊ पहुंचने के दोस्तों हम कुछ उसको 101 रुपये जो टिकट पड़ता है, ठीक, वो हम देंगे बस वाले को। पैसे क्यों दे रहे हैं, देखिए बस वाला हमको कुछ दे नहीं रहा, मगर हमको हमारी सेवा दे रहा। सेवा क्या दे रहा दोस्तों, हम पैदल जाते हैं, अच्छा दोस्तों उसने हमको बिठाया यहाँ पे, आराम से बिठाया और आराम से लखनऊ में छोड़ दिया। तो इसका हमने दिया क्या, पैसे दिए, तो ये दोस्तों सेवा दे रहा हमको ना, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों तृतीय सेक्टर ना। उसी प्रकार संचार से मोबाइल में बात करते हैं दोस्तों, मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं दोस्तों, कुछ हमको मिलता थोड़ी ना, केवल हम बात कर पाते हैं, मतलब सेवा के पैसे ले रहा। बैंकिंग दोस्तों सेवा करता, बीमा सेवा आएगा, भंडारण दोस्तों कहीं पर हम कोई चीज स्टोर करते हैं, देखिए मान लिया दोस्तों कहीं पर एक रूम लिया, गोदाम बना दिया उसको, और उसको हम देखिए मकान मालिक को हम पैसे दे रहे हैं कुछ, ठीक, मान लिया उसको 5000 रुपये महीने दे रहे हैं, मगर दोस्तों वो हमें मकान मालिक हमें कुछ दे नहीं रहा, केवल हमें दोस्तों सेवा दे रहा, ठीक है। तो भंडारण इसी में, व्यापार दोस्तों किसमें, तृतीय क्षेत्र में। सामुदायिक सेवाएं दोस्तों, मान लिया डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर क्या है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। डॉक्टर देखिए, देखिए डॉक्टर दवा देता, आप बोलोगे दवा का पैसे लेता, भैया दवा तो लेता है, आपने कभी देखा फीस लेता है दवा, डॉक्टर जाएंगे आप 500 रुपए फीस लेगा अपनी, तो वो होता तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा के पैसे ले रहा, ठीक। मनोरंजन के देखिए, अब से मूवी देखने जाते हैं, मूवी, अब मूवी में क्या आपको कुछ मिलता थोड़ी ना कि पॉपकॉर्न देगा, पॉपकॉर्न के अलग से पैसे लेता, या मूवी देखोगे तो वो आपका तृतीय सेक्टर में कुछ सेवा दे रहा आपको ना। विश्राम स्थल, जैसे आप दोस्तों कहीं जाते ना, कहीं मान लिया आप टूरिस्ट पे गए ना, कहीं भी गए आप, ठीक है, बाहर गए कहीं घूमने गए, तो वहां पे क्या करें आप, होटल लेंगे, होटल लेंगे, होटल रहने के लिए लेंगे, देखिए खाना खाओ, खाना तो पैसे देखो, मगर रहने का भी पैसे लेता है, वो क्या है, सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। एक बार मैं दोबारा आपको दोहरा दूं कि हमने मान लिया कि किसान ने दोस्तों कॉटन उगाया, कपास उगाया, तो प्राथमिक सेक्टर में आएगा। और कपास दोस्तों, कपास देखिए, कपास को यहां तक पहुंचाया कहां से, फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, कच्चे मतलब कच्चा माल कपास को पहुंचाया फैक्ट्री तक, तो फैक्ट्री तक पहुंचाया दोस्तों, इसको भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और जहां पहुंचा के अब इससे क्या बन गया दोस्तों, कपड़े बना दिए गए, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, तीनों सेक्टर आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। प्राथमिक सेक्टर को हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे को औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, तीसरे को सेवा क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों चतुर्थ सेक्टर भी होता, क्या चौथा क्षेत्र भी होगा, देखिए ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को, जिसमें दोस्तों बुद्धि वाली चीजें होती हैं, उनको हम रख देते हैं, जैसे सरकार हो गया, ठीक है, संस्कृति हो गई, ठीक है, पुस्तकालय दोस्तों, अनुसंधान हो गया कोई, शिक्षा दोस्तों, शिक्षा दोस्तों, शिक्षा को हम देखिए तीसरे में नहीं रखते सेवा में, इसको अलग कर देगा चौथे में, यानी कि शिक्षा किसमें, शिक्षा में बुद्धि लगती है, देखिए बुद्धि लगानी पड़ेगी ही पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बौद्धिक गतिविधियों वाला शिक्षा होगा दोस्तों। आईटी देखिए, आईटी संबंधी यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी चीजें चतुर्थ सेक्टर में आएंगी। तो चतुर्थ सेक्टर में क्या होगा, बौद्धिक गतिविधियां, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों पांचवा सेक्टर भी है, तो पांचवा सेक्टर क्या होता है, देखिए पांचवा सेक्टर क्या होता है, पंचम क्षेत्र क्या होता है, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले, जो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेना, ऊंचे निर्णय लो, उच्च स्तरीय निर्णय ले दोस्तों, उनको हम पंचम क्षेत्र में शामिल करते हैं, जैसे सरकार हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, मीडिया हो गई, विज्ञान हो गया, और गैर लाभकारी संस्थाएं, जैसे कि आपको पता मानवाधिकार दोस्तों आयोग हो गया ना, उस तरह की चीजें वो पंचम क्षेत्र में आ गई। हालांकि दोस्तों आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे हमने बोला प्राथमिक सेक्टर दोस्तों कृषि क्षेत्र कहते हैं, उसमें दोस्तों गन्ना हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगे। द्वितीय सेक्टर दोस्तों, उनसे हम प्राथमिक सेक्टर से उठा के अगर कुछ उनका हम नया चीज बना देते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है, द्वितीय सेक्टर में आएगा, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। और तृतीय सेक्टर दोस्तों सेवा करना, ठीक है, सेवा यानी कि तीसरा सेक्टर, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं दोस्तों। यहां से पूछा था कि ब्लैक कॉलर जॉब किसको कहते हैं, तो आपको बता दें देखिए अन्य चीजें इनको याद रखेंगे। ब्लैक कॉलर जॉब में कौन से आते हैं दोस्तों, जो अधिक मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं दोस्तों, उनको हम ब्लैक कॉलर जॉब में रखते हैं, ठीक है, उनकी जॉब कहते हैं ब्लैक कॉलर जॉब। देखिए ब्लैक कॉलर क्यों, आपको पता है कि खनन में जो काम करते हैं एकदम काले काले कपड़े होते हैं, मतलब काला कपड़ा पहन के, याद रखें जो काले कपड़े पहनते हैं ना उनमें गंदगी लगती रहे ना, जो खनन वाले काम करेंगे, पेट्रोलियम उद्योग में काम करेंगे दोस्तों, उनको उनको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉलर जॉब। तो याद रख लें किसी भी तरीके से, वे ब्लैक कपड़े रहेंगे ना तो खनन उनन में दोस्तों उनको कोयला लगेगा तो समझ नहीं आएगा ना, इसीलिए उनको ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब किसको कहते हैं, देखिए जिन्हें, देखिए ब्लू कॉलर जॉब कौन होते हैं दोस्तों, जिन्हें सैलरी महीनों की नहीं बल्कि घंटों की मिलती है। देखिए आपने कभी देखा होगा भैया कहीं पे आप करते हैं नौकरी, देखिए कोई तो महीना फिर से भैया 6000 रुपए आपको देंगे, और कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों घंटों को, तो जैसे आप टीचर होता ना साथी हो, टीचर कभी तो आपने देखा कि कोई कोचिंग का टीचर होता कहता ना एक घंटे का हम एक घंटे के हम क्या लेंगे दोस्तों 100 रुपए लेंगे 200 रुपए लेंगे ना, तो वो घंटे हिसाब से जब बात करता आपसे भैया हमें घंटे चाहिए, हम एक घंटे पढ़ा के जाएंगे हमें बस इतना रुपये चाहिए ना, इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, क्या बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। और देखिए व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता, देखिए आपने देखा होगा कि ऑफिस वाले जो पहन के आते कपड़े कैसे होते हैं, एकदम व्हाइट कपड़े ना, बेहतरीन व्हाइट व्हाइट कपड़े दोस्तों, ऑफिस पहन के कैसे आते हैं, व्हाइट कपड़े, याद रखेंगे ऑफिस वर्क वाले क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब,
ठीक है। ग्रीन देखिए, ग्रीन कलर क्या होता है, ग्रीन दोस्तों आपको पता है जैसे ग्रीन आता है ना प्रकृति का नाम आ जाता है, तो दोस्तों प्रकृति के लिए काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब, ठीक है। जो प्रकृति के लिए काम करते हैं, कोई जैसे कोई भी दोस्तों संस्था होती है जो प्रकृति के लिए काम करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब, ठीक है। प्रकृति के लिए काम करने वाले, देखिए पिंक का नाम लेते हैं दोस्तों महिलाओं के, देखिए पिंक सिटी, पिंक बस सेवा जैसे यूपी में चलती है दोस्तों महिलाओं के लिए, तो पिंक से संबंधित दोस्तों जो महिला जो काम करती है ना, जैसे महिलाओं द्वारा दोस्तों नर्स का काम हो गया, देखिए जो है ना और भी कहीं दोस्तों महिलाएं लगी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पिंक कॉलर जॉब, है ना। गोल्डन कॉलर जॉब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है दोस्तों, जैसे वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, ये किसमें आते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब में, ठीक है। चलिए, आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट एक अच्छा सा कर सकते हैं, उससे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, और पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, और सभी के सभी दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां जा सकते हैं, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप जाइए एक बार दोस्तों करंट अफेयर क्लास ले लीजिएगा, और यहाँ पे आप जाके एक बार रीचेक कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे हमने पेट की क्लासें लगाई हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्लासों में दोस्तों पूरा संविधान समाप्त कर दिया, और 10 से 12 क्लास में ही दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आपका ये भी समाप्त कर देंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सब जाकर दोस्तों स्ट्रेटेजी पे पढ़ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों, वीडियो के लिए, वनरक्षक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।